नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद सभी भारतीय फैंस जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार वह घड़ी आने वाली है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के बाद अपना पहला T20 मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ इतने बजे खेलने वाली है और इस मुकाबले के समय में हमें काफी बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद टीम इंडिया अपनी पहली सीरीज खेलने जा रही है जो न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ खेलेगी और इसमें भारतीय टीम 3 T20 और 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेलेगा और इस श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कई बड़े खिलाड़ियों को आराम भी दिया गया है, जिस वजह से वनडे और T20 का कप्तान भारत ने बदल दिया है। T20 में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ हार्दिक पांड्या और वहीं वनडे का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया है और भारतीय टीम इस सीरीज को न्यूजीलैंड में खेलेगा और जिसके लिए भारतीय टीम न्यूजीलैंड भी पहुंच चुका है और भारत और न्यूजीलैंड के समय में काफी बड़ा बदलाव है। तो ऐसे में हमें भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच कल यानी कि 18 नवंबर को पहला T20 मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे शुरू होगा और इस मुकाबले का टॉस 11:30 पर होने वाला है। वैसे तो आमतौर पर भारतीय टीम सभी T20 मुकाबले शाम 7 या 7:30 के आसपास खेलती है, लेकिन न्यूजीलैंड में इस बार भारतीय टीम दोपहर 12 बजे पहला T20 मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को T20 सीरीज में हराकर इतिहास रच पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, क्या आने वाले समय में हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बना देना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए भी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।